रोशन झा का सवाल है, तो इन्होंने समझना चाहा है जीएसएफसी के बारे में। 100 शेयर है इनके पास, 198 का भाव है, पूछ रहे हैं इसमें आगे का नजरिया क्या बनेगा। 198 पे लिया है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स में जो मोमेंटम आया था वो मोमेंटम तो अभी नहीं है, तो कंसोलिडेशन है। आपने लिया है 198 पे, ओके। मुझे ऐसा लगता है रोशन कि आप जहां पे आपने लिया है उसके 5-10 रुपए से ज्यादा रिस्क मत लीजिए, ओके, और आराम से बनी रहिए। मान लीजिए कि 198 पे लिया है तो 5% 190, इससे ज्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इस स्ट्रक्चर में 190, 190, 185 के नीचे ब्रेक डाउन हो ही जाएगा, नहीं तो एवरीथिंग इज फाइन। तो वहीं पे हमको, मुझे लगता है कि अपना रिस्क मेंटेन कंटेन करना चाहिए, एल्स थिंग्स आर फाइन, बैक टू 300 के तरफ इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपने चूंकि अपना बाई प्राइस बताया है, इसलिए उसके पहले रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत मुझे नहीं लगती है। बहुत अच्छा सपोर्ट 210-15 के रेंज में ही आ जाएगा, बट बहुत ही अगर बेरिश सिनेरियो पे रखना है तो 190 के नीचे तो रिस्क मेंटेन होना चाहिए। बाकी अगर ठीक रहा तो यहीं से रिटर्न होके आपको पैसा मिल जाएगा।